इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक में आग लगी, जिसने बैंक की इमारत के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत से आग की लपटें उठने लगी। इमारत से निकला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। आग लगते ही तुरंत दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गयी। फायर ब्रिगेड मंगाई, आग को कंट्रोल कर लिया गया। बैंक कर्मी में सिर्फ एक गार्ड मौजूद थे। दमकल कर्मचारियों ने आग फैलने से पहले ही इस पर काबू पा लिया। ये आग बैंक के कैश काउंटर के पास लगी थी, जिससे कई अहम दस्तावेजों के जल जाने की आशंका जताई गई। यूपी के वाराणसी में बाढ़ में फंसे लोग मदद नहीं मिलने से अपने घरों में ही कैद हो गए। वहां गंगा नदी खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर बह रही, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी शहर के निचले इलाकों में घुस गया। बाढ़ में घिरे लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। 10 फीट से भी ज्यादा पानी भरने से मकानों की पहली मंजिलें पानी में पूरी तरह डूब गईं। घर के अंदर 10 फीट पानी है। कैसे आ जा रहे हैं आप लोग? बस इसी तरह से, दरवाजा बंद है, आने जाने लायक नहीं है, अभी नाव से आ रहे हैं। सैलाब में घिरे लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। पेट भरने के लिए लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए। जिसे तैरना नहीं आया वो रबर की ट्यूब के सहारे राशन का इंतजाम करने में जुट गया। तैरने का ढंग नहीं है, सिर्फ ट्यूब के सहारे हैं। अगर ट्यूब की हवा निकली नहीं कि हम चले जाएंगे नीचे। जिनको नाव मिल गई वो जरूरी सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए, जबकि जिनको नाव नहीं मिली वो मदद का इंतजार करते दिखे। गंगा के गुस्से की कुछ ऐसी तस्वीर प्रयागराज में भी दिखी, जहां के कई निचले इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया और सड़कें नदियों में बदल गईं। पानी में लोगों के मकान पूरी तरह डूब गए। ज्यादातर मकानों की पहली मंजिलें पूरी तरह डूबी नजर आईं। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उनमें डूबने का खतरा पैदा हो गया। कहीं आने जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा बचा। जिनको नाव नहीं मिली वो तैर कर अपने घर पहुंचने को मजबूर हो गए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों की उफनाने से आई बाढ़ से एक दर्जन से ज्यादा शहरी मोहल्ले वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सैलाब में घिरे लोगों ने प्रशासन पर कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया। ना उनको खाने की व्यवस्था, ना नाश्ते की है, ना भी कोई जिले प्रशासन, जिले का कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया। हालांकि प्रशासन की तरफ से बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन परेशान लोगों ने इस मदद को नाकाफी बताया। सरकारी मदद ये पानी की बोतल है, 6-6 बोतल, और दवा की किट है, फल की किट है, और 5 लीटर मिट्टी का तेल है। कई जगहों पर राहत सामग्री के लिए लोगों और मदद बांटने पहुंची प्रशासन की टीम के बीच बहस भी हुई। ये बहुत नीडी लोगों के लिए है, जो बहुत अधिक बेचारे हैं, नीडी नहीं। तो फिर आना ही नहीं चाहिए था। अरे सबके पास है, वहां पे जाना चाहिए था। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के साथ NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राहत और बचाव के काम की जानकारी लेने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी NDRF की टीम के साथ एक नाव पर सवार हुए और अधिकारियों के साथ बाढ़ में डूब चुके इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने बाढ़ में फंसे लोगों से उनका हालचाल पूछा, साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की तरफ से पूरी मदद दिए जाने का भरोसा दिया। देहरादून के नैशविला इलाके में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती अविनाश नाम के आदमी ने बताया कि उसने बीती रात दुकान से देसी शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि पुलिस और सरकार की तरफ से जहरीली शराब से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मेरी तबीयत खराब हो गई, पूरा आधे हिस्से में दर्द होने लग गया, पेन बहुत होने लग गया, एक अजीब सा ही जैसे अल्कोहल अटैक होता है वैसा होने लग गया मुझे, और उसके बाद मैं हॉस्पिटल आ गया। बस एक लड़का जो मेरे साथ हो रहा था वो एक्सपायर हो गया। वशिष्ठ नारायण सिंह फिर बिहार JDU के अध्यक्ष चुने गए। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में वशिष्ठ नारायण सिंह को JDU का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। वशिष्ठ भाई को बधाई देता हूँ, उन्होंने फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी एक ट्रेन ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। मुंबई में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सुनील गावस्कर ने एक इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी का समय पूरा होने की बात कही और टीम मैनेजमेंट को आगे देखने की सलाह दी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी एशियन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मरिन ने चोट के बाद शानदार वापसी की और चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 9वीं से 12वीं क्लास में दो बार फेल होने पर छात्र को स्कूल से निकालने वाले सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। मुंबई में कुछ बदमाशों ने एक कंपनी में कर्मचारी